गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रामू सर। टुडे आई विल डिस्कस ऑफ क्लास 12 बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, यानी चैप्टर नंबर 6 डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 3 हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें बताया गया है टेंजेंट और नॉर्मल्स के बारे में। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के लिए बेटे बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है। तो करना क्या है, लेक्चर नंबर बेटा 4 है। सबसे पहले आप समझ लेंगे बेटे कि टेंजेंट होता क्या है। तो कोई हमारे पास कोई कर्व दे रखा है बेटे, ये मान लो, और ये कर्व है और इस पर एक जो टेंजेंट एक टच करती हुई जो लाइन कहलाती है, ये कहलाती है टेंजेंट लाइन, टेंजेंट है, ठीक है। इसको स्लोप अगर निकालते हैं बेटे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर कोई पूछेगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स डी बाई ओवर डी एक्स। तो कोई भी टेंजेंट अगर किसी कर्व पर बेटे इसको टच करने वाली लाइन स्ट्रेट लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं, और इस टेंजेंट पर तो कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है बेटे इस टाइप से, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर दिस नोन एज नॉर्मल। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात समझनी है आपको कि कोई बेटे अगर कर्व है, कर्व पर अगर एक कोई टच करती हुई लाइन अगर ड्रॉ करी जाए, जो उसको टच कर रही हो कहीं ना कहीं लाइन उस पर, तो बेटे वो आपका टेंजेंट कहलाता है, और उस पर कोई परपेंडिकुलर अगर है दैट इज द नॉर्मल। क्लियर? तो बेटे सिंपल इसको और बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। अब इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को निकालते हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली तो देख लीजिए बेटे, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 सिंपली है। एक बेटे देख दे रखा है फाइंड द रेडियस वाई इक्वल टू 3x4, एक कर्व है वाई इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर यू हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो फर्स्ट यू कैन डिफरेंशिएट इसको बेटे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंपल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट इसको करेंगे इट बिकम्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 12x³ - 4। एक पॉइंट दे रखा है एक्स इक्वल टू 4 पर चेक करना है, तो यू कैन राइट सच टाइम डिवाइड ओवर डी एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 4, यू कैन गेट हेयर 4³ - 4, दैट मीन्स 12 × 64 - 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 × 4 = 48, 12 × 6 = 72, 4 × 76 - 4 इट बिकम 764। ये क्लियर? तो ये सिंपल स्टाइल के क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 4, 5, 6 नंबर तक, 2, 3, 4 नंबर तक ऐसे ही क्वेश्चन है। इनको आप सेल्फ ट्राई करिएगा घर पर, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसको, इसके बाद एक और क्वेश्चन बेटे मैं सॉल्व करता हूँ। सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन सब सेम है बेटे, ट्राई कर लेंगे घर पर। एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 5/4। यहाँ पर 5/4 पर चेक करना है, तो हम विभिन्न इक्वेशन को बेटे पहले से 1 कह देंगे और इसे 2 कह देंगे। तो हम अपना वही जो आपने बेटे क्लास
लास्ट एक्सरसाइज लास्ट चैप्टर के चैप्टर नंबर 5 में 5.6 जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें स्टार के क्वेश्चन याद आपको आता होगा कि स्टार के क्वेश्चन मिले हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में बेटे डिफरेंशिएट 1 and 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा। वेरिएबल क्या है मेरे पास बेटा यहाँ पर थीटा है, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यू कैन गेट हियर dx ओवर d थीटा। तो नाउ डिफरेंशिएशन आप इन cos क्यूब थीटा a इंटू 3 साइन क्यूब थीटा और बेटे cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है अगर याद हो। सिमिलरली यू कैन गेट हियर dy ओवर d थीटा डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 तो a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा बेटे साइन थीटा को आपने टी माना हुआ है तो टी क्यूब हो जाएगा टी टू दिखाओ थ्री टी स्क्वायर अगेन टी टी ओवर टी थीटा या टी है जो भी आपको करना हो। तो बेटे ऐसे करेंगे साइन थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो, इसे बेटा 4 का नाम दे दो, फिर वही अपना काम करेंगे डिवाइड 4 by 3 इसमें राइट है dy over d theta upon dx over d theta it becomes dy over d theta it equals to कितना आ जाएगा बेटे मेरे पास 3 a sin square theta cos theta upon तो 3 a आपका 3 cos square theta होगा इस टाइप से 3 a cos square theta एंड माइनस साइन ऐसा केस है ये 3 a गेट कैंसल्ड एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 sin theta cos theta एंड 1 तो इट बिकम्स माइनस साइन थीटा अपॉन सिंगल टाइम cos theta इक्वल टू माइनस 10 थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट और आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल भी पूछा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया तो आप लिखो dy ओवर थीटा है इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन यू कैन राइट हियर माइनस 10 पाई बाई 4 द वैल्यू इज माइनस 1। सिमिलरली नाउ यू हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल। बेटे स्लोप ऑफ नॉर्मल की जब बात की जाएगी तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल कहीं पूछेगा तो माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नोट कर लीजिए माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है बेटे फार्मूला। तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 इसको कैपिटल एम लिखो। तो बेटे स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए हमने ये दोनों ही तरीके से इसको फाइंड आउट किया हुआ है। आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया एट गिवन पॉइंट पर एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल आल्सो यू हैव टू फाइंड। तो इसको नोट कर लीजिए और इस टाइप से बेटे और जितने भी इसके और क्वेश्चंस भी हैं जो सेम प्रोसेस पर आपके होंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।